हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, हम अपने डेली कन्वर्सेशन में अक्सर इस तरीके के वाक्यों को बहुत बोलते हैं कि वह अपने सपनों के राजकुमार से मिलने वाली है, या फिर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है भाई, या फिर एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। तो गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस आपका हेल्पिंग वर्ड इफ़ रिक्वायर्ड, फिर वाला है, इसके लिए हमें यूज करना है अबाउट टू। ओके गाइज, देन यू हैव टू पुट वर्ब, वर्ब की आपकी फर्स्ट की फॉर्म आएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, ठीक है गाइज। स्ट्रक्चर इजी है, अभी मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो गाइज, अगर आपको इस तरीके के और ढेरों एडवांस स्ट्रक्चर देखने हैं तो हमारी वेबसाइट englishelearning.in, जिस पर कि आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं, साथ ही आपको ग्रामर की जानकारी मिलती है। वाक्य देखते हैं गाइज, दीवार गिरने वाली है। कई बार इस तरीके से कोई कमज़ोर दीवार के सहारे या कहीं किसी कमज़ोर छत के नीचे हम लोग बैठते हैं तो बोलते हैं ना भैया, द दीवार गिरने वाली है, द वॉल इज अबाउट टू फॉल, ठीक है। द वॉल इज अबाउट टू फॉल, वॉल यहाँ पे सब्जेक्ट है। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस गाइज, एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। बहुत ही कॉमन वाक्य, बहुत बोलना पड़ता है हमें। तो छोटा सा मेहमान, अ लिटिल गेस्ट, ठीक है। छोटा सा, A little guest is about to come, ठीक है। A little guest, एक छोटा सा मेहमान, is about to come, सारे ही वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस में। ओके गाइज, आप अगर इसको पास्ट में बनाना चाहो तो हेल्पिंग वर्ब वाज अ वर्ड यूज कर सकते हो। तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है ना, तैयार हो जाओ। तो समथिंग बैड, तुम्हारे साथ कुछ बुरा, कुछ बुरा, ठीक है। बैड इज About to happen to you, okay guys? तो कुछ बुराई के लिए हमने लगाया something bad subject, something bad is about to happen to you, ठीक है guys? तो सारे sentence बहुत ही प्यारे हैं। वाक्य देखते हैं अगला, वह अपने सपनों के राजकुमार से मिलने वाली है। बहुत कॉमन वाक्य है, लड़कियाँ ज़्यादातर इस तरीके से सपनों में खोई रहती है ना, ये लड़की के ये लिए भी और लड़के दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो शी इज़ अबाउट टू मीट द प्रिंस ऑफ हर ड्रीम्स, ठीक है। शी इज अबाउट टू मीट द प्रिंस ऑफ हर ड्रीम्स। तो गाइज, होपली आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वाले वाक्य के नीचे कॉमेंट सेक्शन में गाइज जरूर लिखें, बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। तो गाइज, होपली आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।